हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ वुमेन्स बिग बैश लीग 2024 के दोस्तों जो है नॉकआउट मैच की मैच प्रेडिक्शन। और जो नॉकआउट मुकाबला है गाइस, ये जो खेला जाएगा वो वाट हरिकेन्स बनाम सिडनी थंडर्स के बीच, और जो हारेगी वो हो जाएगी टूर्नामेंट से बाहर। और मुकाबला खेला जाएगा गाइस आपका 27 गाइस नवंबर की दोपहर 1:40 पे भारतीय समय अनुसार। मुकाबला ड्रमन ओवल सिडनी में होगा। तो मैच में जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो गाइस फटाफट मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है, टॉस के बाद अगर कोई मैच विनर चेंज होता है ना, तो उसकी अपडेट आपको टेलीग्राम में दी जाती है। सेशन भी आपको फ्री में टेलीग्राम में दी जाते हैं, एंट्रीज भी आपको फ्री में टेलीग्राम में दी जाती है। और एक बात और दोस्तों, मेरा जो दूसरा चैनल लगा ये डॉली बैटिंग चैनल नाम से, उसका लिंक वो जब भी सॉल्यूशन ऑफ चैनल में डाला करो, ज्वाइन हो जाए करो। वो मेरा ही चैनल है, सभी लोगों को उसमें ज्वाइन होना है। जो लोग भी गए सॉल्यूशन ऑफ चैनल से डॉली बैटिंग ऑफ चैनल में ज्वाइन नहीं होगा, उसको सॉल्यूशन ऑफ चैनल से परमानेंटली रिमूव कर दिया जाएगा। क्योंकि गई दोनों मेरे ही चैनल है, तो कई बार ऐसा होगा सॉल्यूशन ऑफ में प्रडिक्शन ना आके सीधा आपको डॉली बैटिंग ऑफ चैनल प्रडिक्शन दे दी जाएगी। तो आपका काम है कि आप लोग ज्वाइन हो जाए। अगर आप मेरे कहने पर भी सॉल्यूशन ऑफ चैनल से डॉली बैटिंग ऑफ चैनल में ज्वाइन नहीं होते हैं, तो प्लीज़ सॉल्यूशन ऑफ चैनल को भी लेफ्ट कर देना, नहीं तो मुझे मजबूरन आप सभी लोगों को रिमूव करना पड़ेगा सॉल्यूशन ऑफ चैनल से। एक बार के लिए सॉल्यूशन ऑफ चैनल में ज्वाइन नहीं होगा चलेगा, और डॉली बैटिंग चैनल में सभी को ज्वाइन होना। ठीक है गाइस, तो मैं दोनों टीमों के प्लेयरों पर डालूँ तो होबार्ट हरिकेन्स के पास लिजेंडी, जो चलती हैं तो फिर आंधी आ जाती है, नहीं चलती हैं तो फिर टीम ही रह जाती है। डैनियल वाइट नहीं खेलेंगी, सूजी बेट्स खेलेंगी उनकी जगह। निकोला कैरी, ही द ग्राम चोल, ट्रायन कैथरीन ब्रेस, मॉली स्टानो, एमी स्मिथ, लॉरेन स्मिथ, कैली विल्सन जैसे प्लेयर। वही अगर मैं सिडनी थंडर वुमेन्स की टीम में डालूँ तो चमारी अटापत्तु फोबलिच फील्ड खेलेंगी, ही द नाइट नहीं खेलेंगी, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की जो सीरीज है उसमें बिजी हैं इंटरनेशनल ड्यूटीज पे। थाइला विल्सन, अनिका लियार्ड, सैमी जॉनसन, हैना डार्लिंगटन, टैनिल पेशल, शबमिन स्माइल, समांथा बेट्स जैसे प्लेयर हैं। ठीक है गाइस, तो इन दोनों टीमों के पिछले 5 मुकाबले डालू, 5 में से 3 जीत के आ रही है गाइस सिडनी थंडर, 5 में से 3 जीत के आ रही है गाइस आपका होबार्ट हरिकेन। दोनों टीमों के बीच 10 मुकाबले हुए हैं, 5 बार जीती है थंडर, 5 बार जीती है आपका होबार्ट। इन दोनों टीमों के पिछले 3 मुकाबलों में 2 बार जो है गाइज होबार्ट जीती है, 1 बार जीती है थंडर। ठीक है गाइज, और अगर मैं इन दोनों टीमों के और भी आंकड़ों पर नजर डालूंगी, इन दोनों टीमों के पिछले 10 मुकाबलों पर ओवरऑल स्टेडियम्स में नजर डालूंगा, तो 10 में से 7 मैच जीत के आ रही है सिडनी थंडर, 10 में से 5 मैच जीत के आ रही है आपका होबार्ट हरिकेन्स। पर गाइस सिडनी थंडर की जब से ही द नाइट गई है ना, उस टीम की समझ लो आत्मा ही चली गई है शरीर से। ठीक है गाइस, 142 रन एवरेज स्कोर है सिडनी थंडर का, 147 है होबार्ट हरिकेन्स का, 212 रन हाईएस्ट है सिडनी थंडर का, 203 रन होबार्ट हरिकेन्स का हाईएस्ट है, लोएस्ट है 97 रन सिडनी थंडर का, 102 रन लोएस्ट है होबार्ट हरिकेन्स का। ठीक है गाइस, और गाइस और भी आंकड़ों पर ना डालूं तो इस ग्राउंड पे मैं बात करूं तो 7 में से गाइस मात्र 2 मैच जीती है इस ग्राउंड पे सिडनी थंडर, और होबार्ट का तो उससे भी बुरा हाल है, 2 मैच खेली है दोनों हार गई है। 115 रन एवरेज स्कोर है सिडनी थंडर का इस ग्राउंड पे, 102 रन एवरेज स्कोर है होबार्ट हरिकेन्स का, 136 रन सिडनी थंडर का हाईएस्ट स्कोर है इस ग्राउंड पे, 115 रन होबार्ट हरिकेन्स का हाईएस्ट स्कोर है, 96 रन लोएस्ट है सिडनी थंडर का, 89 रन लोएस्ट है होबार्ट हरिकेन्स का। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं इस ग्राउंड पर, और इस ग्राउंड पर 1000 रन ही भी नहीं बनते हैं, क्या ही बकवास ग्राउंड है। अगर विन बैट फर्स्ट की बात करूँ तो यहाँ पे 63% मुकाबले जीतते हैं, बॉल फर्स्ट यहाँ पे 33%। गाइस टॉस का यहाँ पे इतना वो नहीं है कुछ, पिच ही इतनी बेकार है क्या बोलूँ, 171 रन बस पता नहीं पर्थ ने कैसे बना दिए थे बिया इस विकेट पे। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर आप देख सकते हैं 122 रन, और सेकंड इनिंग स्कोर 105 रन, लोएस्ट स्कोर है 9 रन, बारिश हो गई थी वो जो, हाईएस्ट चेज 152 रन। भैया पता नहीं ब्रिस्बेन हीट वुमेन ने यहाँ पे 152 रन कैसे चेज कर लिए, मतलब जितनी तारीफ करें उतनी कम है। लोएस्ट डिफेंडेड 105 रन। ठीक है इस टीम फॉर्म हो गया। अब अगर मैं पेस वर्सेस स्पिन की बात करूँ, पेस 65 विकेट लेते हैं, स्पिन 62 विकेट, आंकड़ा बराबर है इस ग्राउंड पे। अगर मैं इन दोनों टीमों अच्छा सॉरी इन दोनों टीमों के पिछले कुछ मुकाबले पर डालू, सिडनी थंडर वुमेन ने बनाए थे 140, होबार्ट हरिकेन्स वुमेन्स वो चेज नहीं कर पाई थी, होबार्ट हरिकेन्स वुमेन्स ने बनाए थे 147, सिडनी थंडर वुमेन वो चेज नहीं कर पाई थी, होबार्ट हरिकेन्स वुमेन्स ने बनाए थे 174, सिडनी थंडर वुमेन वो चेज नहीं कर पाई थी। सेशन की बातें करूँ तो सेशन यहाँ पे गए 6 ओवर में 45
पहली पारी में 40, दूसरी पारी में 36, 10 ओवर में पहली पारी में 65, दूसरी पारी में 59, 15 ओवर में पहली पारी में 92, दूसरी पारी में 91, 20 ओवर में पहली पारी में 134, दूसरी पारी में 97 रन बनते हैं। तो ये तो थी सेशन की बातें। तो जिसको भी सेशन खेलना है मेरे टेलीग्राम चैनल में आ जाइएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। कई बार क्या होता है टॉस के बाद अगर कोई मैच विनर चेंज होता है ना तो उसकी अपडेट आपको टेलीग्राम में दी जाती है, सेशन भी आपको फ्री में टेलीग्राम में दी जाते हैं, एंट्रीज भी आपको फ्री में टेलीग्राम में दी जाती है। और एक बात और दोस्तों, मेरा जो दूसरा चैनल है ना डॉली बैटिंग टिप्स चैनल नाम से, उसका लिंक जब भी सॉल्यूशन ऑफ चैनल में डाला करो, ज्वाइन हो जाए करो, क्योंकि मेरा ही चैनल है, सभी लोगों से ज्वाइन होना है। जो लोग भी गाइस सॉल्यूशन ऑफ चैनल से डॉली बैटिंग टिप्स चैनल में ज्वाइन नहीं होगा उसको सॉल्यूशन ऑफ चैनल से परमानेंटली रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि गाइस दोनों मेरे ही चैनल है। तो कई बार ऐसा होगा सॉल्यूशन ऑफ में प्रेडिक्शन ना आके सीधा आपको डॉली बैटिंग टिप्स चैनल में प्रेडिक्शन दे दी जाएगी, तो आपका काम है कि आप लोग ज्वाइन हो जाए। और गाइस ध्यान रखना, बहुत से फेक चैनल बन गए मेरे चैनल सॉल्यूशन ऑफ चैनल के नाम पे और मेरे चैनल डॉली बैटिंग टिप्स चैनल के नाम पे, तो आपको उन फेक चैनलों से कैसे बच के रहना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सॉल्यूशन ऑफ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, ज्वाइन हो जाना। जैसे ही सॉल्यूशन ऑफ टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होगी आपको वहाँ पर मेरे दूसरे चैनल डॉली बैटिंग चैनल का लिंक मिलेगा, सभी को डॉली बैटिंग चैनल में जरूर ज्वाइन होना, ठीक है। एक बार के लिए सॉल्यूशन ऑफ चैनल में ज्वाइन होगी चलेगा, पर डॉली बैटिंग चैनल में सभी को ज्वाइन होना। तो गाइस मेरे हिसाब से जो टीम मैच जीतेगी वो होगी आपका होबार्ट हरिकेन्स। जी हाँ दोस्तों, होबार्ट हरिकेन्स ही मुकाबले जीतेगी। हालांकि फाइनल प्रेडिक्शन टेलीग्राम पे दे दूंगा आफ्टर द टॉस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, एंजॉय लाइफ।